वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई वेलकम ऑल द न्यू स्टूडेंट्स फॉर नवंबर 2021. हम अपना फॉर्मल बात स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जो बच्चे फाउंडेशन में नए आए हैं, जिन्होंने अभी ट्वेल्थ का पेपर भी नहीं दिया एंड दे आर डिजीरियस ऑफ गोइंग फॉर CA, तो उनको कुछ फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा. जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको कुछ बुक्स मिलेंगी और उन बुक्स के थ्रू आप सारा का सारा आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. नंबर टू, जो बच्चे ट्वेल्थ क्लास पास करके आते हैं उनकी स्टडीज में और प्रोफेशनल स्टडीज में दो छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं, तो मैं आपको वो डिफरेंसेज बताना चाहूंगा. जो आप लोग स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंशनल स्टडीज. कॉन्वेंशनल स्टडीज क्या होता है, आपके पास एक लिमिटेड सिलेबस है और आपको बोल दिया जाता है कि पेपर हमारा इसी में से आएगा. जैसे हम मैथ की बात करते हैं तो CBSE का रूल है, NCERT की जो आपको बुक मिलेगी मोर देन 75% पेपर उसी बुक में से आएगा. तो बच्चे लोग क्या करते हैं, हम भी करते थे, सब बच्चे करते हैं, NCERT के सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं. अगर समझ नहीं आता तो रट्टा भी मार लेते हैं और उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोग क्या करोगे, उस क्वेश्चन को एज इट इज कराओगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और पता चलेगा कि ट्वेल्थ में आपके 90% मार्क्स आ गए, सब कुछ आ गया. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा सकते हो, आपका रिप्लाई होगा नहीं सर मेरे को कॉन्सेप्ट तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि एग्जाम्पल देख के एज इट इज पढ़ा था और पेपर में एज इट इज कराया. ऐसा करते हैं कि नहीं करते बताओ, सब बच्चे करते हैं. लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में ये टेक्निक नहीं चलेगी. यहां पे हमारी होती है कॉन्सेप्चुअल स्टडी. बिल्कुल ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज. कॉन्सेप्चुअल का क्या मतलब होता है, हम लोग आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करवाएंगे. मैं कुछ नहीं कह सकता, जो आपको बुक मिलेगी ICAI की उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा. मैंने भी बुक्स लिखी हैं अपनी, देखो एक हमारी मैथ्स की बुक है, एक हमारी स्टैट्स की बुक है, ARLR की बुक्स हैं, इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हैं. इसके अलावा क्या होता है, हम हर चैप्टर के बाद आपको असाइनमेंट देते हैं, हर तीन तीन महीने के बाद, कभी 1000 क्वेश्चन का कभी 500 क्वेश्चन का असाइनमेंट देते रहते हैं. इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तब हमारे बच्चों के 90s में नंबर आते हैं. तो इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल कोचिंग है दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट. और मैं लिख देता हूं जी, कॉन्सेप्ट इज पावर. जितने आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी उतना ज्यादा आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होगा. तो सबसे पहला पॉइंट ये, ट्वेल्थ के बच्चे जब CA में आते हैं तो हमारे को कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं. सबसे पहला मैंने बताया जी कॉन्वेंशनल स्टडी और कॉन्सेप्चुअल स्टडी. अब तक आपने जो पढ़ा दैट वाज कॉन्वेंशनल स्टडीज और अब आप करेंगे कॉन्सेप्चुअल स्टडीज. आपने हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बाई हार्ट अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा आसान लगेगा. नंबर टू, जो सेकंड वाला डिफरेंस होता है वो क्या होता है, देखो सेकंड में आपका मैथ का पेपर होता है 3 घंटे का और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, आपने स्टेप वाइज करना है, स्टेप वाइज मार्किंग होगी, बहुत कुछ होता जाएगा. हमारे यहाँ पे पेपर होता है आपका बेटा 2 आवर्स का. मैं थोड़ा सा बता दूं, फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर होंगे जिसमें मेरा जो मैथ का पेपर है, इस पेपर का नाम है बिजनेस मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स.
मतलब हमारे पेपर के तीन पार्ट है और हमारे पेपर में टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन के चार आंसर दे रखे होंगे, जो आपका मोस्ट सूटेबल आंसर होगा आपने उसको टिक करने। अब बेटा इसके लिए क्या करना होता है, आप एक चीज देखो जी, 2 घंटे का हमारा पेपर है और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। इस टेक्निक को थोड़ा आराम से समझ लीजिए। 2 घंटे का मतलब हो गया, हर बच्चे को मालूम है टोटल टाइम मिलता है 120 मिनट का। मैं गलत तो नहीं हूं ना बेटा, क्योंकि आप करते हो जी 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जब स्कूल्स में पेपर होते हैं तो टीचर क्या करते हैं, शार्प 2 o'clock पे पेपर बांटना शुरू करते हैं। तो जो बच्चा लास्ट में बैठा होता है उसको पेपर ही मिलता है 2:05 पे, 2:10 पे, उसके 5-7 मिनट तो इस प्रोसेस में चले जाते हैं। नंबर 2, हमारे को OMR शीट होती है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या होती है, वो फिल करनी पड़ती है। जब आप OMR शीट फिल करते हो उसमें भी 10-15 मिनट लगते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं जो आप कंसाइनमेंट में पढ़ते हो नॉर्मल लॉस, तो जो 20 मिनट का टाइम होता है वो हमारा नॉर्मल लॉस है। तो हमारे को जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने होते हैं 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करने होते हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 मिनट में जो कर पाएगा उसी के ही बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आई कैन एश्योर यू, मैं आपको बहुत शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, आधे मिनट में या आपका 45 सेकंड में आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जितना मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आप सारा का सारा करोगे, जितने मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सारे के सारे करोगे, 100% मार्क्स यू विल स्कोर। क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्टकट टेक्निक बताने वाला हूं जिसमें आपको बिल्कुल भी लंबा टाइम लगाना नहीं है। तो ये 2 डिफरेंसेज हैं, एक तो आपने कॉन्सेप्ट को ज्यादा ध्यान रखना है और दूसरा आपने टाइम को बहुत ज्यादा वेटेज देनी है। तो मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दूंगा और शॉर्टकट पे ज्यादा जोर दूंगा, ताकि हम लोग आराम से अपने पेपर को पूरा सॉल्व करके और 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकें, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब हम आते हैं जी मेन बात पे। मेन बात क्या है, हमारे पेपर के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मैथ्स, ये आता है हमारा 40 नंबर का, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक मैथमेटिक्स का होता है। मैथमेटिक्स में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। एज पर रूल हर एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वो हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन देंगे। उनकी मर्जी है, वो किसी भी चैप्टर से 20 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है वो किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो वो मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बताता जाऊंगा कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। सेम वे में हमारे 8 चैप्टर हैं स्टैटिस्टिक्स के और 5 क्वेश्चन हर एक में से आने चाहिए, 40 नंबर हो गए जी। 4 चैप्टर है हमारे ARLR के, एनालिटिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग, हर एक में से 5-5 क्वेश्चन आने चाहिए, 20 नंबर का ये हो गया। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, हमारे 20 चैप्टर्स हैं, 100 नंबर का पेपर है, हर एक चैप्टर में से 5 नंबर का पेपर आना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो किस चैप्टर में से कितने नंबर की कवरेज होगी ये मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स है क्या चीज। जिन बच्चों ने सॉरी 11th में 12th में मैथ नहीं पढ़ा हुआ उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट मच आई कैन एश्योर। तो हम देखते हैं जी मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है जी रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथमिक, बहुत बड़ा चैप्टर का नाम है, तो जब मैं इसको करवाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा। सेकेंड चैप्टर हमारा होता है जी इक्वेशन, जिन बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पॉलीनोमियल इक्वेशन क्या होती है, उसके ऊपर हमारा ये चैप्टर है।
इसका जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है मैट्रिसेस। जिन बच्चों ने ट्वेल्थ क्लास में मैथ पढ़ा उनका पहला चैप्टर था मैट्रिसेस का, तो इक्वेशन और मैट्रिसेस दोनों को मिला के ये हमारा सेकंड चैप्टर है। और इसमें बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बहुत ज्यादा कवरेज नहीं है। पहले चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, 7 या 8 क्वेश्चन पहले चैप्टर में आते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है जी इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में से भी 2 या 3 क्वेश्चन हार्डली आते हैं, कभी कभी केवल एक ही क्वेश्चन देके वो काम को खत्म कर देते हैं। 4 चैप्टर से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं जी देखो 3-4 चैप्टर है, आप देख लीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पिछले 2 बारियों में इनमें से एक बार 18 क्वेश्चन आए थे, एक बार 20 क्वेश्चन आए थे। एक ही चैप्टर में से 18 क्वेश्चन आना, यू कैन अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक हमारा चैप्टर है जी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। जिन बच्चों ने 11th में 12th में थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा हुआ है उनको शायद कॉन्सेप्ट मालूम होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 लेवल। इसमें से भी बेटा कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब इन दोनों चैप्टर में से मिला के हमारी इंस्टीट्यूट की कोशिश रहती है 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में वो केवल इन 2 चैप्टर से ही दे देते हैं। अगर हम इन 2 चैप्टर को 2-2, 3-3 बारी रिवाइज करके बहुत अच्छा कर लेते हैं तो हमारे 25 नंबर 40 में से 25 नंबर बहुत आराम से हम स्कोर कर सकते हैं। एक हमारा चैप्टर होता है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं चैप्टर्स को सीरियल वाइज नहीं लिख रहा हूं, मैं चैप्टर को वेटेज वाइज लिख रहा हूं। एक हमारा चैप्टर होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये इसमें से भी हमारे ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, जिन बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है एपी सीरीज क्या होती है, जीपी सीरीज क्या होती है, उन लोगों को हेल्प मिलेगी। नहीं तो मैं ये मानता हूं जी आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ और किसी को कुछ भी नहीं आता, हम लोग 0 लेवल से ही स्टार्ट करेंगे और आज हम इस चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज कॉल्ड लिमिट फंक्शंस एंड रिलेशंस। ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन 12th में आपने बहुत मुश्किल मेथड से पढ़ा है, यहाँ पे हम आपको बहुत आसान मेथड से करवाएंगे। 7 चैप्टर हमारा होता है जी दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। और कैलकुलस के हमारे 2 पार्ट हैं, एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रेशन। इन दोनों की भी वेटेज बहुत कम है। आप ये मान के चलो इक्वेशन वाला चैप्टर, पहले वाला चैप्टर टाइम वैल्यू मनी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनमें से आपका 32 नंबर का पेपर आ जाएगा, कभी कभी 35 का भी आ जाता है। बाकी 5 नंबर में ये छोटे छोटे 2-3 चैप्टर्स हैं ये आते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है उस चैप्टर को 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी भी करवाना पड़ेगा हम करवाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी अगर आप हमें कोऑपरेट करते हो तो आपके 100 में से 100 मार्क्स कैसे आए वो हम कोशिश करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहला अपना चैप्टर ले लेते हैं हम सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जिन बच्चों ने 11th में 12th में 10th में कभी भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मैंने आपको 2 चीजें बोली हैं, अपनी रिपीट करता हूं। नंबर 1 क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, नंबर 2 किस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे 2 ही बेसिक चीजें रहेंगी। पहला ये रहेगा कि हम लोग बहुत छोटे छोटे मेथड से, बहुत शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें और कोशिश करें कि आधे मिनट में या 1 मिनट से पहले हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात है कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम समझेंगे, जब हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो जहां से मर्जी पेपर आ जाए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इंट्रोडक्शन को यहीं कंक्लूड करते हुए
मैं पहला चैप्टर आपको सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। अगर आप में से किसी को मालूम हो आप बता भी सकते हो सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। जिन लोगों ने कभी भी 10th क्लास में 11th क्लास में कभी भी मैथ पढ़ा होगा उनको 100% मालूम होगा सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। लेकिन हम लोगों को पता होने के बावजूद हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये हमारी छोटी सी प्रॉब्लम होती है। अब सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इसको लिखने से पहले हम एक बिल्कुल छोटी सी गेम खेलते हैं। हमारी गेम क्या है जी, हमारी गेम ये है, मैंने लिखा पहले 3, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा 27, फिर मैंने लिखा 81। मैं आपसे पूछता हूं बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल आप में से 100% बच्चे बता दोगे कि यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होना चाहिए जी, 243। मैं पूछता हूं इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, आप बोलोगे जी 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 729। और ऐसे हम करते जाएंगे। दूसरी बात, मैंने आपको कहा जी पहले मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा 16, फिर मैंने लिखा 25। मैं आपको कहता हूं बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। आपने थोड़ा सा माइंड लगाया, आपने कहा जी सर पहले आपने लिखा है 1 का स्क्वायर, फिर लिखा है 2 का स्क्वायर, फिर लिखा है 3 का स्क्वायर, फिर हो गया 4 का स्क्वायर, फिर हो गया 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर, नेक्स्ट हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर। मतलब जिसमें हम नेक्स्ट टर्म को कंप्यूट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। जिसमें नेक्स्ट टर्म को कंप्यूट करना पॉसिबल है, हमारे को कोई ना कोई बेस दिया हुआ है उसके बेस पे हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 1, फिर लिखा 4, फिर लिखा 7, फिर लिखा 10, फिर लिखा 13, फिर लिखा 16, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। आप कहते हो सर पहले आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो अब फिर 3 ऐड कर देंगे 19, फिर 3 ऐड कर देंगे 22। तो हमने किसी ना किसी सिस्टेमेटिकली इन टर्म्स को लिखा है, तो जब हम टर्म्स को सिस्टेमेटिकली लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। तो हम लोग सीरीज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो बच्चे हमसे पहले पढ़ते थे, जो पढ़ चुके हैं उनको मालूम है, मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर देता हूं तभी जाके आपके 90s में नंबर आते हैं। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो आप सीरीज क्या लिखेंगे, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, एनी नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म्ड सिस्टेमेटिकली। कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम सिस्टेमेटिकली लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सीरीज। सिस्टेमेटिकली क्या, पहले मैंने 3 लिखा, फिर मैंने कुछ भी ऐड कर दिया 6, फिर मैंने 6 ऐड कर दिया, फिर मैंने 6 ऐड कर दिया, फिर मैंने 6 ऐड कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड सीरीज। कोई भी ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स, 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं सिस्टेमेटिकली हमने उनको लिखा हुआ है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म्ड सिस्टेमेटिकली इज कॉल्ड सीरीज। मतलब जहां पे आपने सिस्टेमेटिकली नंबर्स को लिखा है दैट इज कॉल्ड सीरीज। अब हम कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या लिखेंगे, एनी नंबर ऑफ टर्म्स नॉट फॉर्म्ड सिस्टेमेटिकली, नॉट फॉर्म्ड सिस्टेमेटिकली। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप देखो बेटा पहले मैंने 1 लिख दिया, फिर मैंने 5 लिख दिया, फिर मैंने 11 लिख दिया, फिर मैंने 19 लिख दिया, 31 लिख दिया,
क्या लिखता जा रहा हूं, दो टर्म्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो पहले मैंने 4 ऐड कर दिया, फिर मैंने 6 ऐड कर दिया, फिर मैंने 8 ऐड कर दिया, फिर मैंने देखो 12 ऐड कर दिया, कभी कुछ ऐड कर दिया, कभी कुछ ऐड कर दिया, कोई सिस्टम नहीं चला रहा, कोई फॉर्मल वे में नहीं लिख रहा, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ जी, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स नॉट फॉर्म्ड सिस्टमेटिकली, इस पे ला दो ना इसको, नॉट फॉर्म्ड सिस्टमेटिकली दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब देखो हमारे चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर का नाम है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस का तो हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, जो लिखना है लिखते जाओ, पहली टर्म क्या लिख दी 2, दूसरी टर्म क्या लिख दी मेरी मर्जी जो मर्जी लिखो, तीसरी टर्म क्या लिख दी मेरी मर्जी है भैया मैं तो 17 लिखूंगा। तो जिसका कोई फॉर्मेशन ही नहीं है, जिसको हम लोग प्रॉपर वे में फॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। लेकिन हम बात करेंगे सीरीज की। अब सीरीज क्या होती है, हम लोग सीरीज पे आएंगे और हमारे सिलेबस में सीरीज ही है। तो सीरीज को मैं दोबारा लिखता हूं जी, सीरीज का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म्ड, हम इसको दो वर्ड यूज करते हैं, फॉर्मली या हम बोलते हैं सिस्टमेटिकली, हमने किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को सिस्टमेटिकली लिखा, तो सिस्टमेटिकली का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड सीरीज। और हमारी जो सीरीज होगी वो है तो बहुत सारी, पर हमारे फाउंडेशन के कोर्स में दो तरह की सीरीज है, पहले को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, और इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो एपी सीरीज। दूसरे वाली जो हमारे सिलेबस में है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह लीजिए, ज्योमेट्रिक सीरीज कह लीजिए, और इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे जीपी सीरीज। जब आप 11th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, तो आप बोलते थे एपी सीरीज क्या है, जीपी सीरीज क्या है। अब हमारे सिलेबस में एपी सीरीज है, हमारे सिलेबस में जीपी सीरीज है। जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भी होंगे क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी होंगे, दोनों को मिक्स करके भी होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारा फॉर्मल वे में कोर्स शुरू हो गया है, अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन कह लीजिए या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह लीजिए। अर्थमेटिकली क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ही बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप क्या कहते हो जी, सबसे पहले लिखो इफ डिफरेंस इन टू कंजेक्टिव टर्म्स, इफ डिफरेंस इन टू कंजेक्टिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल, इफ डिफरेंस इन टू कंजेक्टिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल, अगर दो कंजेक्टिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा बराबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक सीरीज। देखो बेटा हमने लिखा पहले 4, फिर हमने लिखा 10, फिर हमने लिखा 16, फिर हमने लिखा 22, फिर हमने लिखा 28। अब देखो पहले और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 6। सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 6। थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 6। फोर्थ और फिफ्थ टर्म में डिफरेंस कितना है, 6। मैंने कहा इफ डिफरेंस इन टू कंजेक्यूटिव टर्म्स, अगर दो कर्मागत टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा बराबर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। आपने बताना बेटा क्या ये एपी सीरीज है। मैंने लिखा पहले 3, फिर लिख दिया 10, फिर लिख दिया 17, फिर लिख दिया 24, फिर लिख दिया 31, फिर लिख दिया 39,
कितने लोगों को लग रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? आपने देखा बेटा यहां पे डिफरेंस कितना है, 7, यहां पे डिफरेंस कितना है, 7, यहां पे डिफरेंस कितना है, 7, यहां पे कितना है, 7, लेकिन यहां पे तो 7 नहीं है, यहां पे तो डिफरेंस मेरा 8 है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। अब हमारे बच्चे लोग गलत कहां करते हैं पेपर में, आप पहले दो का डिफरेंस देख लेते हो, दूसरे तीसरे का देख लेते हो, तीसरे चौथे का, आपको लगता है जी सारे ठीक है, तो ये हमारी एपी सीरीज होगी। ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आप लोगों ने लास्ट तक देखना है डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। मैंने लिखा है इफ डिफरेंस इन टू कंजेक्टिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल, अगर ये हमेशा बराबर होगा तभी हमारी अर्थमेटिक सीरीज मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। अगर हमारा ऑलवेज इक्वल होगा, देखो जी फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हमने किया जी पहले 4, फिर लिख दिया जी 12, फिर लिख दिया 20, फिर लिख दिया 28, फिर लिख दिया 36, फिर लिख दिया 45, क्या ये एपी सीरीज है? अब बच्चों ने देखा जी डिफरेंस कितना है, 8, डिफरेंस कितना है, 8, वाह वाह वाह, ये तो एपी सीरीज होगी। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप देखो लास्ट तक क्या डिफरेंस बराबर है, यहां पे डिफरेंस है 8, यहां पे डिफरेंस है 8, लेकिन यहां आते आते मेरा डिफरेंस 9 हो गया, तो मेरा डिफरेंस इज नॉट ऑलवेज इक्वल। अगर लास्ट टर्म तक ऑलवेज डिफरेंस इक्वल होगा तब हम बोलेंगे ये एपी सीरीज है। आपने दो चीजें देखनी है, नंबर 1 डिफरेंस इन टू कंजेक्टिव टर्म्स, डिफरेंस इन टू कंजेक्टिव टर्म्स, और 2 ऑलवेज इक्वल, मतलब लास्ट टर्म तक ये इक्वल रहना चाहिए। अगर ये लास्ट टर्म तक इक्वल रहेगा तब हम इसको बोल पाएंगे कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। अब देखो एक लास्ट में आपसे पूछ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज थी जी पहले 2, फिर हमने लिखा 9, फिर लिखा 16, फिर लिखा 23, फिर लिखा 30, क्या ये एपी सीरीज है? आप देखोगे बेटा डिफरेंस 7, डिफरेंस 7, डिफरेंस 7, डिफरेंस 7, सब जगह डिफरेंस बराबर है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या होती है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब एपी सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमारे टोटल मिला के 8 कॉन्सेप्ट हैं। जब आप पूरे के पूरे 8 कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, बुक का कोई भी क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, असाइनमेंट मेरा करोगे हो जाएगा, और अगर आप कोई भी स्कैनर का क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, 10 ईयर का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो पाएगा, मैं गारंटी नहीं देता आपको। तो आपने पूरे के पूरे 8 कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्ट नंबर वन मेरा होता है फाइंडिंग सम पर्टिकुलर टर्म। आपने किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करना है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर वन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्वेश्चन दिया है जी, पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है 9, तीसरी टर्म है 15, नेक्स्ट टर्म है 21, नेक्स्ट टर्म है 27। मैं आपसे कहता हूं बताओ 100 नंबर की टर्म क्या होगी, बताओ 300 नंबर की टर्म क्या होगी, या मैं आपको कहता हूं जी बताओ 500 नंबर की टर्म क्या होगी, बताओ एम नंबर की टर्म क्या होगी, बताओ एन नंबर की टर्म क्या होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं फाइंडिंग सम पर्टिकुलर टर्म। अब ये हम कैसे निकालेंगे, आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना, फिर हमारे को थोड़ा सा समझ में आएगा मेथड क्या करना है। अब आप देखो जी मैंने सीरीज क्या लिखी थी, मैंने सीरीज लिखी थी 3, फिर लिखा था 9, फिर लिखा था 15, फिर लिखा था 21, फिर लिखा था 27,
मैं आपसे कह रहा हूं बताओ 100वें नंबर की टर्म क्या होगी, 100 नंबर की टर्म क्या होगी। तो मेरे को देखना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ सीरीज क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज। आप एक काम करो, जो पहले वाली टर्म होती है इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं ए। ए का मतलब होता है पहले वाली टर्म, डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है जी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। गलत नहीं करना है, 3 माइनस 9 नहीं करेंगे, 9 माइनस 3। सेकेंड टर्म माइनस सिक्स टर्म कितना हो गया जी हमारा 6। आपने देखो जी क्या किया, ए की वैल्यू थी मेरी 3, डी की वैल्यू थी मेरी 6। आपने सीरीज कैसे बनाई, पहले तो आपने लिखा ए, अगली टर्म में आपने डी ऐड कर दिया। जब आपने डी ऐड किया तो मेरी टर्म क्या होगी, ए प्लस डी। देखो जी 3 था, आपने 6 ऐड किया, अगली टर्म में फिर दोबारा 6 ऐड किया, तो जब मैं अगली टर्म में फिर डी ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D। ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D। अगली टर्म में मैंने फिर डी ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D। तो आप बेटा ध्यान से समझो, मेरी पहली टर्म क्या होती है ए, मेरी सेकेंड टर्म क्या होती है ए प्लस 1D, मेरी थर्ड वाली टर्म क्या होती है ए प्लस 2D। जोन से नंबर की टर्म है डी, उससे कम आएगा। मेरी 10वीं टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 9D, वेरी गुड। मेरी 40वीं टर्म क्या होनी चाहिए, ए प्लस 39D। जोन से नंबर की टर्म है, डी एक कम होगा। पहली टर्म में डी बिल्कुल नहीं है, दूसरी टर्म में डी एक बारी है, तीसरी टर्म में डी 2 बारी है, चौथी टर्म में डी 3 बारी है। जोन से नंबर की टर्म है, डी एक कम है। मान लो मैं कहता हूं 100वीं टर्म क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए प्लस 90। मैं कहता हूं जी 300वीं टर्म क्या होगी, आपका आंसर होना चाहिए ए प्लस 299D। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी मुझे टर्म कंप्यूट करनी है तो मैं टर्म को कैसे कंप्यूट करूंगा। तो बेटा देखो हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं जी। मेरे को दिया हुआ है पहली टर्म 3, देन इट इज 10, देन इट इज 17, देन इट इज 24, देन इट इज 31। ऐसे करते करते मेरे से सीएसयू ने पूछा, बताओ 50वीं टर्म क्या होगी, बताओ 100वीं टर्म क्या होगी, बताओ 300वीं टर्म क्या होगी, बताओ 400वीं टर्म क्या होगी, बताओ एम नंबर की टर्म क्या होगी, बताओ एन नंबर की टर्म क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं करूंगा, आप देखो जी ए का मतलब क्या है, पहली टर्म, ए का मतलब है 3। डी का मतलब क्या है सर, डी का मतलब है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 7, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 7, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म 7। तो डी मेरा 7 है, इसलिए मैं उसको बोलता हूं कॉमन डिफरेंस। अब देखो बेटा मेरे को कंप्यूट करनी है 50वीं टर्म, क्या हो जाएगा ए प्लस 49D। अब आप देखो बेटा ए की वैल्यू 3 है, 49 एज इट इज, डी की वैल्यू 7 है, तो ये हो गया जी 3 एज इट इज, 7 × 63 6 28 और 6 34 346। आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, हमारे काफी बच्चे ऐसे भी आते हैं 3 + 49 ये हो गया जी 52, बाद में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो बेटा हम पहली दूसरी क्लास में सीखते हैं कि बोडमस रूल लगता है, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में ऐड होगा। तो 7 × 63 6 28 से 34 346, तो मेरी 50वीं टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 346। इसके बाद हो गया बेटा मेरे को चाहिए थी 100 टर्म क्या होगी, ए प्लस 99D। ए का मतलब क्या है मेरा 3, 99 × D का मतलब क्या है 7। तो आप क्या करोगे जी 3 एज इट इज, देखो 7 × 63 6 63 और 669। हम लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मेरी 100 टर्म क्या हो जाएगी जी, 696। मुझे चाहिए थी फॉर एग्जांपल 400वीं टर्म क्या होगी, a प्लस 399d। कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया बेटा, a का मतलब है 3, ये हो गया 399, d का मतलब है 7। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 3 एज इट इज, 7 63, 6 63 और 6 69, 21 और 6 27। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, 2796। तो मेरी 400वीं टर्म क्या होगी जी, 2796। अब एक बच्चे का डाउट आ रहा है, वो कह रहे हैं सर ये तो सारी हो जाती है, 500वीं टर्म क्या है, 1000वीं टर्म क्या है, हमारे को प्रॉब्लम कहां थी है, जहां आप लिखते हो जी एम नंबर वाली टर्म बताओ, जहां आप लिखते हो एन नंबर वाली टर्म बताओ, हमारे को वहां दिक्कत आ जाती है। वो भी देख लो बेटा, अब मेरे को दिया हुआ है बेटा ए की वैल्यू दी हुई है 3, डी की वैल्यू दी हुई है 7, वो कह रहे हैं जी बताओ एम नंबर की टर्म क्या होगी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। मैंने बोला ए प्लस जोन से नंबर की टर्म है वो माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना मनीष भाई। अगर वो नंबर वाला पूछेगा तो दिक्कत नहीं है, अगर वो अल्फाबेटिकली पूछेगा तो दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ए की वैल्यू है 3, एम माइनस 1, डी की वैल्यू है 7, ये हो गया 3 प्लस 7 एम माइनस 7, ये हो गया जी 7 एम माइनस 4। तो मुझे एम ए टर्म करनी थी, क्या हो जाएगी दिस वन। मान लो मेरे से पूछा गया एन ए टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मतलब है 3, एन माइनस 1, डी का मतलब है 7। तो हम लोग बच्चे कर ही सकते हैं इनको, 3 प्लस 7 एन माइनस 7, ये हो जाएगा 7 एन माइनस 4। तो एम नंबर की टर्म क्या होगी, एन नंबर की टर्म क्या होगी। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर पेपर में कभी कभी पूछते हैं बताओ एम प्लस एन नंबर की टर्म क्या होगी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जितने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे उतना आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है ए प्लस जोन से नंबर की टर्म है वो माइनस 1 इंटू डी। मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी 3, एम प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू पुट कर दी 7। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, 3 प्लस 7 एम प्लस 7 एन माइनस 7। तो मैं क्या लिखूंगा जी, 7 एम प्लस 7 एन माइनस 4। एम प्लस एन नंबर की टर्म क्या होगी, पी नंबर की टर्म क्या होगी, क्यू नंबर की टर्म क्या होगी, कौन से नंबर की टर्म क्या होगी, मैं कंप्यूट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है ए प्लस कौन से नंबर की टर्म है वो माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लगाता हूं तो मैं कोई भी चीज कर सकता हूं। देखो मेरे बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन करके मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आता हूं। मेरे को दिया हुआ है जी टर्म है 5, फिर दिया हुआ है 11, फिर दिया हुआ है 16, फिर दिया हुआ है 21, फिर दिया हुआ है 26। मेरे को बतानी है 100वीं टर्म क्या होगी। अब आप लोग जब बताते हो सीधा शुरू हो जाते हो, पहले देखो क्या ये एपी सीरीज बन भी रही है कि नहीं। पहले में डिफरेंस कितना है 6, दूसरे में डिफरेंस कितना है 5। ये एपी सीरीज नहीं है, अगर ये एपी सीरीज नहीं है तो इसकी कोई टर्म हम कंप्यूट भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी तरह से आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, गलत क्वेश्चन का -0.25 आपका नंबर डिडक्ट हो जाता है। हम लोग गलती गलती में क्या करते हैं बेटा, कि देखते भी नहीं है एपी बन रही है कि नहीं बन रही, सर ने फॉर्मूला बता दिया, दबा दब ठोक दिया, ए प्लस अपना कर दो खत्म, ऐसा नहीं करने का। देखो ये लास्ट क्वेश्चन करके हम अपना आगे बढ़े। तो हमारा पहला है बेटा क्वेश्चन 6, फिर हो गया जी 11, फिर हो गया जी 16। कहाँ चले गए सब लोग, मैं बुला रहा हूँ इतनी देर से, वो स्क्रीन पे वो देखो ना क्यों नहीं आ रहा है। 16 21 26, आपने बताना है पी नंबर की टर्म क्या होगी, आपने बताना है क्यू नंबर की क्या होगी, पी प्लस क्यू नंबर की क्या होगी, एम नंबर की क्या होगी, 300 नंबर की क्या होगी।
हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट कहते हैं जी कोई टर्म निकालते कैसे है। तो पहले मेरे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए, ए की वैल्यू है 6। फिर मेरे पास डी की वैल्यू होनी चाहिए 11 माइनस 6, 16 माइनस 11, 21 माइनस 16, ये वैल्यू आ रही है जी 5। अब बताओ जी पी नंबर की टर्म क्या होगी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। शिवेश भाई क्या डिलीट कर दिया, तो ए का मतलब क्या है बेटा, ए का मतलब है 6, पी माइनस 1 डी का मतलब है 5। फाइव पी प्लस 1, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया जी 5p+1। अब इसके शॉर्टकट मेथड क्या है वो हम बताएंगे, सर स्क्रीन पे नजर आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो हमारा जो शॉर्टकट मेथड क्या है वो भी हम अभी करते हैं, और इसके बाद दोनों में से एक चलेगा क्या, बस चलो फिर वही लगा दो। उसके बाद देखो जी मेरी क्यू टर्म क्या है, क्यू टर्म है जी ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब था बेटा 6 और क्यू माइनस 1 डी का मतलब था 5। ये हो गया 6 प्लस 5 क्यू माइनस 5, हम करेंगे 5 क्यू प्लस 1। तो कोई भी चीज कंप्यूट करनी है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कौन से नंबर की टर्म निकालनी है दैट कैन बी कंप्यूटेड, ए प्लस कौन से नंबर की टर्म है वो माइनस 1 इंटू डी। अब बोलो शिवेश जी आप क्या कह रहे थे, शिवेश जी ने कुछ लिखा फिर डिलीट किया, मैं देख नहीं पाया, कुछ कहना है तो कहो बेटा, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, वो मेरी ड्यूटी है, किसी को थैंक यू नहीं लिखना है, वो मेरा काम है। अब हम आते हैं जी कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। टोटल 8 कॉन्सेप्ट है और आपको चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहते हैं जी फाइंडिंग सीरियल नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म। किसी पर्टिकुलर टर्म का सीरियल नंबर आपने बताना है, ये है मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। आप कॉन्सेप्ट को समझो, मुझे टर्म दी हुई है जी पहली टर्म 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21, फिर 26, फिर 31। वो कहते हैं जी बताओ 100, आपने लिखा है जी 141, आपने बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है। वो कहेगा जी विच टर्म इज 141 इन द सीरीज, इस सीरीज में 141 कौन से नंबर की टर्म है भी सही कि नहीं है। ये बेटा पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है, ऐसे करते करते ये कौन से नंबर की टर्म है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरा कॉन्सेप्ट कहता है मैं मान लेता हूं, मान लो 141 जो है वो n नंबर की टर्म है। शिवेश भाई क्या कहना चाहते थे कहो। 141 मैंने मान लिया जी n नंबर की टर्म है, तो n नंबर की टर्म होती क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n नंबर की टर्म है जी 141, a की वैल्यू क्या है मेरी 6, d की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू 6, d की वैल्यू देख लो जी 5। तो आपने किया जी a की वैल्यू 6, n माइनस 1, d की वैल्यू 5। तो हम करते हैं 141 6 प्लस 5 n माइनस 5, हमने किया 5 n प्लस 1, ये हो गया बेटा 141। 5 n की वैल्यू होगी 140 141 माइनस 1, n कितना हो गया जी 140 अपॉन 5, ये हो गया जी 28, n की वैल्यू होगी 28। इसका मतलब है ये मेरी 28वीं टर्म है। वो कह रहा था जी ये कौन से नंबर की टर्म है, तो आप बोलोगे ये हमारी 28वीं टर्म है। कौन से नंबर की टर्म है, 28। तो पेपर में कॉन्सेप्ट नंबर ये पूछा गया 2 में कि बताओ ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हमने लिख दिया जी ये हमारी 28वें नंबर की टर्म है।
अब देखो बेटा, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, वो कह रहे हैं हमारे को टर्म दी हुई है 3, फिर दी हुई है 9, फिर दी हुई है 15, फिर दी हुई है 21, हमें दिया हुआ है 597। आपने बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है। करो फटाफट करो बेटा, 597 कौन से नंबर की टर्म है। मनीष जी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। वर्णिका बुद्धि राजा, अंशिका सिंगल, सबका बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से। शिवेश भाई बिल्कुल ठीक। तो आपने बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है। मैंने क्या बोला जी, आप मानोगे, मान लो 597 हमारी एन नंबर की टर्म है। अगर ये एन नंबर की टर्म है तो एन नंबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया जी 597। ए का मतलब है 3, एन माइनस वन, डी का मतलब है 6। पहले बेटा कंप्यूट कर लो, ए का मतलब है 3, डी का मतलब 9 माइनस 3 6, 15 माइनस 9 6, 21 माइनस 15 6, डी की वैल्यू 6। 597 ये हो गया जी 3 प्लस 6 एन माइनस 6, ये हो गया जी 6 एन माइनस 3, ये हो गया 597। हमने कर दिया 597 प्लस 3 क्या हो गया जी 600, 6 एन, एन की वैल्यू क्या होगी जी 100। इसका मतलब है जो 597 है वो कौन से नंबर की टर्म है, 100 नंबर की टर्म है। पहले कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा गया था कोई पर्टिकुलर टर्म दी हुई है, आपने बताना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। पहले में पूछा गया था आपसे 100वीं टर्म बताओ, 200वीं बताओ, 300वीं बताओ। सेकंड कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा गया कोई टर्म दी हुई है, आपने बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है, वो हमने कंप्यूट किया। पहले दो कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट कभी भी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर है। जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तो आप आगे नहीं कर पाओगे, ऐसे अगर ये दो कॉन्सेप्ट नहीं आते तो हर जगह आपको प्रॉब्लम होगी। इन दो कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, पहले मैं समझाता हूं। इसमें से पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं और इसको अब हम शॉर्टकट से भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट से नहीं करेंगे तो मैं बोल रहा हूं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रॉब्लम रहेगी। तो शॉर्टकट को ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा क्वेश्चन क्या है जी, थर्ड कॉन्सेप्ट में वो कहता है इन एन ए पी। इसका मतलब है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 11वीं टर्म है उसकी वैल्यू है 40, जो 40वीं टर्म है उसकी वैल्यू है 11। आपने बताना है 200वीं टर्म क्या होगी, 500वीं टर्म क्या होगी, एम नंबर की टर्म क्या होगी, एन नंबर की टर्म क्या होगी, 700वीं टर्म क्या होगी, ये सब चीजें आपने कंप्यूट करनी है। पहले मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं, तो आप दोनों वेज में आप इसको करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। वो कह रहा है किसी भी एपी सीरीज में 11 टर्म की वैल्यू है 40, 40वीं टर्म की वैल्यू है 11। इन एन ए पी, ना हमारे को ए की वैल्यू पता है ना हमारे को डी की वैल्यू पता है। अब समस्या ये आ गई कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो क्या कहता है, स्टडी मटेरियल ये कहता है कि आप इसको 11वीं टर्म की वैल्यू क्या होती है, आप लिखोगे जी ए पी सीरीज में 11वीं टर्म होती है ए प्लस 10D, इसकी वैल्यू होगी 40, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे इंस्टीट्यूट का बताया हुआ मेथड है, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा, पहले आप लॉजिक समझ लीजिए। 40वीं टर्म की वैल्यू क्या है, ए प्लस 39D, इसकी वैल्यू है 11, इक्वेशन नंबर 2। जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल, ये हो गया माइनस 29D,
ये हो गया 29, डी की वैल्यू होगी जी माइनस वन। इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू आ गई जी माइनस वन। अगर डी की वैल्यू माइनस वन आ गई तो ए प्लस 10 डी क्या होता है 40 के बराबर। ए प्लस 10 डी की वैल्यू माइनस वन क्या है 40, ए माइनस 10 क्या हो गया 40 और ए की वैल्यू क्या होगी जी 50। ए की वैल्यू आ गई 50, डी की वैल्यू आ गई माइनस वन। और अब हमें मान लो कोई भी टर्म निकालनी है, सपोज हमें निकालनी थी 100वीं टर्म, तो हम कह सकते हैं a प्लस 99d, a की वैल्यू है बेटा 50, d की वैल्यू है प्यारे बच्चों माइनस वन, 50 माइनस 99 ये हो जाएगा माइनस 49। लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आप नोट करेंगे आपको एक मिनट से ज्यादा लगा है। मैं चाहता हूं मेरा क्वेश्चन होना चाहिए आधे मिनट में, तो हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे। अब हम अपने शॉर्टकट को पकड़ना शुरू करते हैं। हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट को कैसे करेंगे, आप पहले पूरा का पूरा नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर मैं इसके शॉर्टकट पे आ रहा हूं शॉर्टकट क्या है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, मेरे को दिया हुआ था 11 टर्म की वैल्यू है 40, 40वीं टर्म की वैल्यू है 11। इसको हम अपने शॉर्टकट मेथड में बोलते हैं क्रॉस टर्म्स। क्रॉस टर्म्स क्या है जी, 11वीं टर्म की वैल्यू 40, 40वीं टर्म की वैल्यू 11। मान लो 15वीं टर्म की वैल्यू 50 और 50वीं टर्म की वैल्यू 15। मान लो 19 टर्म की वैल्यू 80 और 80वीं टर्म की वैल्यू 19। मान लो m टर्म की वैल्यू n, n टर्म की वैल्यू m। आप देखेंगे क्रॉस है। मान लो 10वीं टर्म की वैल्यू 60 और 60वीं टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10। इन सबको हम क्या बोलते हैं क्रॉस टर्म। क्रॉस टर्म्स में डी की वैल्यू हमेशा आएगी माइनस वन। आपको कुछ भी बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डी की ऑलवेज वैल्यू आएगी माइनस वन। देखो इस क्वेश्चन में भी डी की वैल्यू माइनस वन, इस क्वेश्चन में भी डी की वैल्यू माइनस वन, इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू माइनस वन, इस क्वेश्चन में भी डी की वैल्यू माइनस वन, इस क्वेश्चन में भी डी की वैल्यू माइनस वन। आपको कुछ भी इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, जहां पे भी क्रॉस टर्म होगी डी की वैल्यू माइनस वन। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों का सम माइनस वन, 40 प्लस 11 51, 51 माइनस वन 50। यहां पे ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 50 प्लस 15 65, 65 माइनस 1 64। यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 प्लस 19 99 माइनस 1 98। यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 माइनस 1 69। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, मुझे करना क्या है, मुझे तो कुछ नहीं करना बेटा, मेरा काम तो सॉल्व हो गया। देखो मेरे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है वो देख लीजिए। पेपर में क्वेश्चन आते हैं जी 10वीं टर्म की वैल्यू है 50, 50वीं टर्म की वैल्यू है 10। आप बताओ 300 नंबर की टर्म क्या होगी। आप देखो बेटा जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, डी की वैल्यू माइनस वन, ए की वैल्यू होगी जी 50 प्लस 10 60, 60 माइनस वन 59। 300वीं टर्म क्या होगी जी, ए प्लस 299 डी, सबको मालूम है ए का मतलब है 59, 299 डी का मतलब है माइनस वन। 59 माइनस 299 ये हो गया जी माइनस 240, माइनस 240। तो आपको एक शॉर्टकट मेथड और भी है, लेकिन अभी 5-7 मिनट के बाद हम उसको टच करेंगे, उसमें और भी आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल कोई भी क्वेश्चन कंप्यूट करना होगा, आपको लंबी चौड़ी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डी की वैल्यू ऑलवेज माइनस वन और ए की वैल्यू क्या आएगी जी इन दोनों का सम माइनस वन। देखो मेरे पेपर में मान लो क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया बेटा, मेरे पेपर में क्वेश्चन आया इन एन एपी, फटाफट आंसर आना चाहिए। 20th टर्म की वैल्यू है 80, 80वीं टर्म की वैल्यू है 20, आपको बताना है 300वीं टर्म क्या होगी। तो जैसे ही क्वेश्चन आया बेटा, डी की वैल्यू माइनस वन, ए की वैल्यू 20 प्लस 80 100 माइनस वन 99। 300वीं टर्म क्या होती है जी, ए प्लस 299 डी।
ए का मतलब हो गया 99, 299, डी का मतलब है माइनस वन, 99 माइनस 299 ये हो गया जी माइनस 200। तो इमीडिएटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, माइनस में 200। ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही है, तो आंसर फटाफट आने चाहिए, लेकिन अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। और कोई देखो बेटा, हमने क्वेश्चन क्या किया, हमें पेपर में क्वेश्चन आया इन एन एपी 40वीं टर्म की वैल्यू है 100, 100वीं टर्म की वैल्यू है 40, आपने बताना है एक 50 नंबर वाली टर्म क्या होगी। 50 नंबर की टर्म होती है a प्लस 49d। a का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम माइनस वन, 140 माइनस वन 139, 49d की वैल्यू माइनस वन, कितना आ गया बेटा 139 माइनस 49, ये हमारा आ जाएगा जी 90। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 90। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने में क्या हमें कोई टाइम लगा, मेरे ख्याल से आधा मिनट हमारा नहीं लगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट, हमारा पर्पस केवल एंड केवल यही है कि हमारे को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो करना हमारा उद्देश्य है। आप एक दो क्वेश्चन फटाफट देखो, पर इसका एक शॉर्टकट मैं आपको और भी बता रहा हूं, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे जाएंगे। मेरे को दिया हुआ जी इन एन एपी 30वीं टर्म की वैल्यू है 90, 90th टर्म की वैल्यू है 30, आपने बताना है बेटा मेरे को 250वीं टर्म क्या होगी। आपको सबको मालूम है 250वीं टर्म क्या होती है, a प्लस 249d, a की वैल्यू क्या होगी 90 प्लस 30 120, 120 माइनस 1 119, 249, डी की वैल्यू ऐसे केसेस में क्या होती है माइनस वन, 119 माइनस 249 ये हो जाएगा माइनस में 130। कितने बच्चों का आंसर आ गया माइनस में 130, फटाफट हमारे को आंसर चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी माइनस में 130। अब हम इसका एक और भी छोटा मेथड करने की कोशिश करते हैं। बड़े जी आगे चलो, देखो हमारे को दिया हुआ है जी इन एन एपी 50वीं टर्म की वैल्यू है 90, 90वीं टर्म की वैल्यू है 50, आपको बताना है 300 नंबर की टर्म क्या होगी, एम नंबर की टर्म क्या होगी, एन नंबर की टर्म क्या होगी। देखो पहले तो मैंने आपको ये बताया आपने 300 नंबर की टर्म निकालनी है a प्लस 299d, a की वैल्यू आपने निकाली 90 प्लस 50 140 माइनस 1 139 प्लस 299, d का मतलब माइनस 1, 139 माइनस 299 ये हो गया बेटा 160। तो 300वीं टर्म की वैल्यू क्या होगी जी 160, 300वीं टर्म की वैल्यू होगी जी 160 माइनस में। मैक्सिमम लोगों का आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन टाइम का बेटा ध्यान रखो एक मिनट नहीं लगना चाहिए, आधे मिनट में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। आधे मिनट में नहीं हो तो चलो 45 सेकंड में हो जाए, लेकिन टाइम ज्यादा लगाओगे तो फिर मैथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं बेटा। हम इतने शॉर्टकट मेथड इसलिए करवाते हैं कि आपके अच्छे अच्छे नंबर आए, लेकिन आप आराम से कॉन्सेप्ट को करो। अब देखो जी मैं और भी छोटा मेथड कर रहा हूं, आप एक चीज देखो बेटा, आपको दिया हुआ है इन एन एपी, ध्यान से समझना, 9th टर्म की वैल्यू है 50, 50वीं टर्म की वैल्यू है 9, मेरे को बताना है 300वीं टर्म क्या होगी। और भी छोटा मेथड क्या कहते हैं जी, 300वीं टर्म होगी इन दोनों का सम 59, और कौन से नंबर की टर्म चाहिए वो लिख दो, माइनस 241। मान लो मेरे को 500वीं टर्म चाहिए, इन दोनों का सम कितना हो गया 59, और माइनस में 500वीं टर्म चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए वो लिख लो जी, माइनस 441। मान लो आपको चाहिए 700वीं टर्म, इन दोनों का सम कितना है 59, कौन से नंबर की टर्म चाहिए 700वीं,
-641। आप बताइए, मेरा ख्याल 10 सेकंड, इट रिक्वायर्स ओनली 10 सेकंड टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आप बेटा ये छोटे छोटे फॉर्मूले लगाओगे तो पूरे के पूरे 100 नंबर आने की उम्मीद होगी, नहीं तो पेपर में क्वेश्चन पूरे 100 नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। जब तक आप शॉर्टकट नहीं लगाओगे हमारे नंबर बहुत अच्छे आने की उम्मीद नहीं होती। अब देखो जी, हमने इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। हमारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है एम एथ टर्म की वैल्यू है एन, एन एथ टर्म की वैल्यू है एम, आपने बताना है आर नंबर की टर्म क्या होगी। आप क्या करते हो बेटा, टर्म के लिए इन दोनों का सम एम प्लस एन, कौन से नंबर की टर्म चाहिए, ये आंसर होगा इसमें। कौन से नंबर की टर्म चाहिए इन दोनों का सम, ये। अब देखो मैंने क्वेश्चन को क्या किया, इन एन एपी मेरे को 40वीं टर्म की वैल्यू दी है 90, 90वीं टर्म की वैल्यू दी है 40, मुझे चाहिए बताओ 550वीं टर्म क्या होगी, बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, बताओ डी की वैल्यू क्या होगी। अब ये तीनों क्वेश्चन एक मिनट में हो जाने चाहिए। ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम -1 129, डी की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस टर्म है -1, 550वीं टर्म क्या होगी, इन दोनों का सम माइनस कौन से नंबर की टर्म चाहिए, तो ये हो गया जी 420 -420। ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, कोई पर्टिकुलर टर्म क्या होगी, क्वेश्चन देखना है और आंसर माइंड में एकदम आ जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर पूरे आएंगे, बिल्कुल बहुत आराम से, बहुत आराम से करते जाओ और फटाफट फटाफट क्वेश्चन हमारे होते चले जाने चाहिए। अब देखो बेटा, हमने एक लास्ट क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे मूव करेंगे। सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है इन एन एपी, आपने कहा 10th टर्म की वैल्यू है 80, 80वीं टर्म की वैल्यू है 10, मेरे को चाहिए ए की वैल्यू क्या होगी, मेरे को चाहिए डी की वैल्यू क्या होगी, मेरे को चाहिए बताओ 600 नंबर वाली टर्म क्या होगी। फटाफट आंसर आना चाहिए, ए की वैल्यू क्या लिखूं, 80 प्लस 10 90 माइनस 1 89, डी की वैल्यू क्या होती है -1, 600वीं टर्म क्या होगी, इन दोनों का सम 90 माइनस कौन से नंबर की टर्म चाहिए, 510 होगी जी 600वीं टर्म, -510 होगी 600वीं टर्म। तो मेरी कोई टर्म क्या होती है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, फटाफट फटाफट मेरे आंसर आने चाहिए। काफ़ी बच्चों का ठीक है और बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आपके सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने देखो दो चीज़ों पे जोर दिया है, नंबर वन क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई क्वेश्चन दुनिया का मुश्किल नहीं है, और नंबर टू टाइम मैनेजमेंट, शॉर्टकट मेथड कैसे लगाया जाए ताकि एक मिनट से पहले पहले हम अपने क्वेश्चन को कर पाए। तो आपने शॉर्टकट मेथड पे ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर ये दो चीजें अच्छी तरह ध्यान दिया तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मनीष भैया माइनस भी आएगा, -510। अच्छा अब देखो जी, हमने तीन कॉन्सेप्ट के बाद आते हैं जी कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे, उसके बाद करेंगे थोड़ा सा टेस्ट। व्हाट इज कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसको आप थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, फोर्थ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वो कहते हैं इन एन एपी, अगर हम 11वीं टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40वीं टर्म को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों बराबर हैं, आप बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ डी की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ 500वीं टर्म क्या होगी, आप बताओ 700वीं टर्म क्या होगी, आप बताओ एम नंबर की टर्म क्या होगी, आप बताओ एम नंबर की टर्म क्या होगी। आप आराम से क्वेश्चन देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप स्कैनर में देखेंगे शायद ही कोई अटेम्प्ट ऐसा होगा जिसमें इसको कवर नहीं किया गया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको समझो थोड़ा सा। वो कह रहे हैं ग्यारहवीं टर्म को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40वीं टर्म को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ना तो ए की वैल्यू आएगी ना तो डी की वैल्यू आएगी, आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है। आप देखो जी, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं जी, 11वीं टर्म की वैल्यू है 40 और 40वीं टर्म की वैल्यू है 11। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 टर्म इक्वल टू 40 इंटू 14 टर्म। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बताओ ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? ए की वैल्यू क्या होगी, 40 प्लस 11 51, 51 माइनस 1 50। डी की वैल्यू ऐसे हर एक क्वेश्चन होती है माइनस 1। 500वीं टर्म क्या होगी जी, इन दोनों का सम 51 माइनस 500, ये हो जाएगा माइनस 499। 700वीं टर्म क्या हो जाएगी जी, 51 माइनस 700, ये हो जाएगा जी माइनस 600, ये 499 नहीं आएगा, 449 कितना हो गया, 500 माइनस 449 सॉरी माइनस 449, ये हो जाएगा जी माइनस 649। आपको चाहिए एम नंबर की टर्म, क्या करेंगे जी 51 माइनस एम, 51 माइनस एम। आपको चाहिए एन नंबर की टर्म, 51 माइनस एम। फोर्थ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे जी, इसको आराम से फटाफट कर दीजिए, और ये हमारे हो गए जी पहले 4 कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बोला चैप्टर में टोटल कॉन्सेप्ट कितने हैं, 8, कंप्लीट कितने हो गए हमारे, 4। अगर आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इसके मतलब आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा ख्याल बहुत ही आसान मेथड से हमने किया। अब हम पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे मूव करेंगे। सबसे पहले है जी बेटा हमारा इन एन एपी, आपको दिया हुआ है 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म, 19 टाइम्स ऑफ 90 टर्म। आपको बताना है 100वीं टर्म क्या होगी, एम नंबर की टर्म क्या होगी, एम प्लस एन क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, पीएथ टर्म की वैल्यू क्या होगी। देखो जब मैंने इसको लिखा, मैंने आपको था मैं क्या लिखूंगा, 10th टर्म की वैल्यू है 90 और 90वीं टर्म की वैल्यू है 10। आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 टाइम्स ऑफ ये, 90 टाइम्स ऑफ ये। अब ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 3 जैसा हो गया। ए की वैल्यू क्या है जी, 90 प्लस 10 100, 100 माइनस 1 99। डी की वैल्यू क्या है जी, माइनस 1। 100वीं टर्म क्या होगी, आपने अभी किया जी कौन से नंबर की टर्म चाहिए, इन दोनों का सम माइनस कौन से नंबर की टर्म चाहिए, 0। एम नंबर की टर्म क्या होगी जी, 100 माइनस एम। एम प्लस एन नंबर की टर्म क्या होगी जी, 100 माइनस एम माइनस एन। पी नंबर की क्या होगी जी, 100 माइनस पी। देखो जब ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, वो लंबे लंबे मेथड से क्वेश्चन करते हैं, आधी बार हो जाता है आधी बार गलत होता है। तो आप लोगों ने कोई भी लंबा मेथड प्लीज 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 यूज नहीं करना है। जो मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं, आपने उन टेक्निक के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आएंगे। आपने क्या करना है जी, हमें सीरीज दी हुई है 7, 20, 33, 46। आपने बताना है जी 200वीं टर्म क्या होगी, आपने बताना है एम नंबर की टर्म क्या होगी, एन नंबर की क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा, फटाफट करते जाओ। ठीक क्वेश्चन का 1 नंबर, गलत का -0.25। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, इन एन एपी 70वीं टर्म की वैल्यू है 15, 15वीं टर्म की वैल्यू है 70। आपको बताना है 110वीं टर्म क्या होगी, 140वीं टर्म क्या होगी, 300वीं टर्म क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे प्यारे बच्चों हमने लिखा इन एन ए पी
अगर मैंने 20वें टर्म को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 60वें टर्म को 60 से मल्टीप्लाई किया इसके बराबर है। मुझे चाहिए 200वीं टर्म क्या होगी, मुझे चाहिए 500वीं टर्म क्या होगी, मुझे चाहिए 1000वीं टर्म क्या होगी, मुझे चाहिए ए की वैल्यू क्या होगी, मुझे चाहिए डी की वैल्यू। ये क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लगे कि कहाँ पे खड़े हैं हम और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं जी, मेरे साथ साथ आप भी करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 20 माइनस 7 13, 33 माइनस 20 13, 46 माइनस 33 13। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 13। मेरे को चाहिए थी 200वीं टर्म क्या है, तो आप देखो बेटा 200वीं टर्म में क्या करूंगा, 200वीं टर्म मेरी हो जाएगी ए प्लस 199 डी। ए का मतलब है 7, 199 डी को 13 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा हो गया जी 7 प्लस, आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बेटा, तो आपके पास कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर यूज करो, नहीं तो देखो जी 13 निमा 117 11, 13 निमा 117 और 11 128, 13 और 12 25, कैलकुलेटर चेक कर लेना 2594। तो हमारा जो 200वीं टर्म आएगी वो आ जाएगी 2594। कितने लोगों का ठीक है कितने लोगों का गलत है वो आप देख लीजिए। अंशिका गोयल 2594, बहुत बढ़िया बेटा। आप देखो जी मेरे को एम नंबर की टर्म चाहिए, तो एम नंबर की टर्म क्या होती है जी, ए प्लस कौन से नंबर की टर्म है वो माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब है 7, एम माइनस 1, डी का मतलब है 13। ये हो गया जी 7 प्लस 13 एम माइनस 13, तो ये हो जाएगा 13 एम माइनस 6। कॉन्सेप्ट नंबर 1 के क्वेश्चन थे, कोई पर्टिकुलर टर्म कंप्यूट करनी है दैट कैन बी कंप्यूटेड 13 एम माइनस 6। देखते जाओ जी किसका ठीक है किसका गलत है और उसके बाद मेरे को टोटल मार्किंग बताना। एन ए टर्म क्या हो जाएगी जी, एन ए टर्म हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब है 7, एन माइनस 1, डी का मतलब है 13। 7 प्लस 13 एन माइनस 13, तो हम क्या करेंगे जी 13 एन माइनस 6। ये मेरी होगी जी पहले 3 क्वेश्चन, जिसके तीनों ठीक हैं उसके 3 नंबर हो गए, जिसके जितने गलत हैं हर गलत क्वेश्चन पे माइनस 0.25। ठीक क्वेश्चन का 1 नंबर, गलत क्वेश्चन का माइनस 0.25, तो देख लीजिए जिसके जितने हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे इंस्टीट्यूट ने लिखा बेटा इन एन एपी 70वीं टर्म की वैल्यू है 15 और 15वीं टर्म की वैल्यू है 70। 70वीं टर्म की वैल्यू 15, 15वीं टर्म की वैल्यू 70। तो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा आपको देखते ही लगा जी डी की वैल्यू तो माइनस 1 होगी, ए की वैल्यू होगी जी 70 प्लस 15 85 माइनस 1 84। मेरे को चाहिए कौन सी टर्म, मुझे चाहिए बेटा उसने पूछा हुआ है बताओ 110वीं टर्म क्या होगी। तो 110वीं टर्म क्या होती है जी, आप लिखोगे इन दोनों का सम माइनस 110, तो ये हो गया जी माइनस में 25। दूसरा आपको चाहिए जी 140वीं टर्म क्या होगी, आप लिखोगे दोनों का सम कौन सी टर्म चाहिए, ये हो गया जी माइनस 55। आगे आपको चाहिए 300वीं टर्म, तो आप क्या लिखोगे जी इन दोनों का सम माइनस 300, ये हो गया जी माइनस 215। आप देखो जी सारे क्वेश्चन करने में आधा मिनट, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 40 सेकेंड, इससे ज्यादा का टाइम मत लेना बेटा, फटाफट फटाफट करते जाओ, तब जाके हम उम्मीद लगाएंगे कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे। अब हम क्या करते हैं जी, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो ये कह रहे हैं जी इन एन ए पी 20वीं टर्म को 20 से मल्टीप्लाई करो और 60वीं टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों के दोनों बराबर हैं।
अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको लिखूंगा जी 20वें टर्म की वैल्यू होगी जी 60 और 60वें टर्म की वैल्यू होगी 20। अब देखो ए की वैल्यू क्या होगी 79, डी की वैल्यू क्या होगी -1। मुझे चाहिए क्या 200वीं टर्म क्या होगी, तो 200वीं टर्म क्या होगी जी, इन दोनों का सम हो गया 80 -200 -120। मुझे चाहिए जी 500वीं टर्म क्या होगी, तो हम करेंगे जी 80 -500, ये हो गया जी -420। हमें चाहिए जी 1000वीं टर्म क्या होगी, तो हम करेंगे जी 80 -1000, ये हो गया जी -920। तीन क्वेश्चन ये थे, 3, 6, 9। एक क्वेश्चन में और लिख देता हूं, उसके बाद 10 में से किसके कितने नंबर हैं आप देख लेना। एक क्वेश्चन बेटा आप ये लिखो, आपको कोई सीरीज दी हुई है, ये दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 और ये दिया हुआ है 5065। आपको बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है, इस सीरीज में 5065 कौन से नंबर की टर्म है। तो हमने आपको क्या बताया, कैसे करना होता है, आपको मानना पड़ेगा ये मेरी अन्य टर्म है। आपने मान लिया जी ये एन टर्म है 5065। एन टर्म होती क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू है 5065। ए की वैल्यू 5, एन माइनस वन डी की वैल्यू 5, ये हो गया 5065। 5 + 5n - 5, ये हो गया 5065। 5n की वैल्यू 5065, n की वैल्यू होगी जी 1013। इसका मतलब है ये कौन से नंबर की टर्म है, 1013 नंबर की टर्म है। टोटल 10 में से किसके कितने नंबर हैं, अपनी इवैल्यूएशन कर लो, जिसके 10 में 10 नंबर है, पूरे 10x10 है, एक बार मुझे मैसेज लिखो जी मेरे पूरे 10x10 है, मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। अभिनव राज जी क्या चल रहा है, जल्दी बोलो बेटा, किसके 10 के 10 नंबर पूरे ठीक हैं, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हैं, ताकि हम आगे बढ़े। मानस अरोड़ा बेटा मेरे को बताओ 10x10 नंबर किसके हैं। अंशिका, आराधना, छवि, चलो अभिनव राज, वर्णिका बुधिया, चलो ठीक है बेटा जिसके भी हैं आप देखो कोशिश करो पूरे के पूरे ठीक होने चाहिए। अब हम एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, क्योंकि हमारी ये वाली क्लास 10:45 बजे तक चलेगी, अभी 10 मिनट है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट और हो जाएगा। हम लिखते हैं जी कॉन्सेप्ट नंबर 5। इसको हम लिखेंगे जी क्रॉस एंड रेसिप्रोकल। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और जब भी क्वेश्चन आता है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्रॉस एंड रेसिप्रोकल, वो कह रहे हैं जी इन एन एपी जो मेरी 10th टर्म है वो है 1/40, जो मेरी 40वीं टर्म है वो है 1/10। पहले हमारी क्रॉस थी, 10वीं टर्म की वैल्यू 40, 40वीं टर्म की वैल्यू 10। अब क्रॉस भी है रेसिप्रोकल भी है, 10वीं टर्म की वैल्यू 1/40, 40वीं टर्म की वैल्यू 1/10। तो मुझे करेक्ट कम करना है जी, बताओ 200वीं टर्म क्या होगी, बताओ 500वीं टर्म क्या होगी, बताओ एम टर्म क्या होगी, एन टर्म क्या होगी, 1000 वाली टर्म क्या होगी, 4000 नंबर वाली क्या होगी, ये सब चीजें करनी है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक गिलास पानी पी लूं, तब तक आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है जी, मेरे ख्याल क्वेश्चन नोट हो गया होगा। हम अपने कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है जी, हमारा कॉन्सेप्ट ये है इंस्टीट्यूट की बुक में इन एन ए पी।
पीएथ टर्म की वैल्यू है 1 बाई क्यू, क्यू है टर्म की वैल्यू है 1 बाई पी। तो पहले आप ए निकाल लो, फिर आप डी निकाल लो। आप देखो बेटा पीएथ टर्म क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू होगी 1 बाई क्यू इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या होगी जी, क्यू ए टर्म होती है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, केवल ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो बुक में किया हुआ है। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, माइनस माइनस माइनस, ए कट गया, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी। देख लीजिए कहीं मेरे से गलती हो तो आप नोट कर लेना। इन दोनों में से d कॉमन कर दिया, ये हो गया p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, इधर से p क्यू एलसीएम हो गया, ये हो गया p माइनस क्यू, ये हो गया जी d इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। पी माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, d की वैल्यू होगी जी 1 अपॉन पी क्यू। डी की वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ये सब आपने करने नहीं है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, सिर्फ आप लॉजिक समझ लीजिए। पहली इक्वेशन में आपने डी की वैल्यू पुट कर दी, ये था जी ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू थी 1 बाई क्यू। ए मुझे मालूम नहीं, पी माइनस वन, डी की वैल्यू है 1 अपॉन पी क्यू, ये हो गया 1 अपॉन क्यू, ये हो गया जी a प्लस पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, दैट इज 1 अपॉन क्यू, p से p कैंसिल। तो ये मेरा क्या आ गया जी a प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, दैट इज 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कैंसिल, a की वैल्यू भी आ गई 1 अपॉन पी क्यू। ऐसे हर एक क्वेश्चन में a की वैल्यू भी आएगी 1 अपॉन पी क्यू और d की भी वैल्यू आएगी जी 1 अपॉन पी क्यू। ए की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू, डी की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू। आराम से नोट कर लीजिए, ए की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू, डी की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू। अब देखो जी, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था टेंथ टर्म की वैल्यू 1 बाई 40, 40 में टर्म की वैल्यू 1 बाई 10, ए की वैल्यू क्या होगी जी 1 अपॉन पी क्यू 400, डी की वैल्यू क्या होगी जी, ये भी होगी जी 1 अपॉन 400, ए की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू और बी की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू, ए की वैल्यू भी 1 अपॉन 400 और डी की वैल्यू भी 1 अपॉन 400। अब मुझे चाहिए जी 500वीं टर्म, ए प्लस 499 डी, ए की वैल्यू है 1 अपॉन 400, 499 इंटू 1 अपॉन 400, दोनों को ऐड करेंगे तो 500 बटे में 400, 500वीं टर्म। अब मैं आता हूं जी इसका बहुत ज्यादा शॉर्टकट मेथड। जिसने पहले वाला नोट किया अच्छी बात है, नहीं किया तो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम अपना शॉर्टकट करेंगे, शॉर्टकट से क्वेश्चन करने हैं। मेरे को दिया हुआ है इन एन ए पी, 20वीं टर्म की वैल्यू है 1/60, 60वीं टर्म की वैल्यू है 1/20। मुझे चाहिए 700वीं टर्म क्या होगी, 600वीं टर्म क्या होगी, 800वीं टर्म क्या होगी, एम नंबर की टर्म क्या होगी, एन नंबर की क्या होगी, पी नंबर की क्या होगी, 300 नंबर की क्या होगी, 250 नंबर की टर्म क्या होगी, और ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या। आप देखो जी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1200, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1200। 700वीं टर्म जोन से नंबर की टर्म है वो 1/1200, मतलब जोन से नंबर की टर्म है वो अपॉन पी क्यू। 600 क्या हो जाएगा जी 600/1200, 800वीं टर्म क्या हो जाएगी जी 800/1200। आप देख लो 500वीं टर्म क्या थी, 500/ पी क्यू। अब देख लो जी हमारी एम नंबर की टर्म क्या होगी, एम 1/1200,
एन नंबर की टर्म क्या हो जाएगी, एन बटे में 1200। पी नंबर की टर्म क्या हो जाएगी, पी बटे में 1200। जोन से नंबर की टर्म चाहिए वो अपॉन पी क्यू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और मेरे ख्याल से 10 सेकंड मैं ज्यादा बता रहा हूं, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे एक क्वेश्चन को करने में। और आपने पूरी पूरी कोशिश करनी है कि जितने कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन कर सकते हैं उतने कम से कम टाइम में करें। अब देखो जी हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, सब लोग करेंगे। इन एन ए पी 11 टर्म की वैल्यू है 1/50, 50वीं टर्म की वैल्यू है 1/11। हमें चाहिए 200वीं टर्म क्या होगी, हमें चाहिए 300वीं टर्म क्या होगी, हमें चाहिए 400वीं टर्म क्या होगी, हमें चाहिए 700वीं टर्म क्या होगी, हमें चाहिए एम टर्म क्या है, एन टर्म क्या है, पी प्लस क्यू टर्म क्या है, एम प्लस एन टर्म क्या है, और ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 1/PQ 50 गुना में 11, 11×55 550। डी की वैल्यू भी यही होगी जी। 200वीं टर्म क्या हो जाएगी जी, 200/550। 300वीं टर्म क्या हो जाएगी जी, जोन से नंबर की टर्म है वो बटे में पी क्यू। 400वीं टर्म क्या हो जाएगी जी, 400/550। 700वीं टर्म क्या हो जाएगी जी, 700/550। पी प्लस क्यू टर्म क्या हो जाएगी जी, जोन से नंबर की टर्म है वो अपॉन पी क्यू। एम प्लस एन नंबर की टर्म क्या हो जाएगी, जोन से नंबर की टर्म है अपॉन पी क्यू। ये मेरे पहले 5 कॉन्सेप्ट हो गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। 3 कॉन्सेप्ट और रह गए इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करना होगा, हम बुक के क्वेश्चन करेंगे, स्कैनर के करेंगे, असाइनमेंट आपको मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी। तो एक बारी मैं रिकैपिचुलेट कर देता हूं क्योंकि 11:45 तक क्लास है, बस 2-4 मिनट रहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं जी, सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या था आप लोग लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था फाइंडिंग सम पर्टिकुलर टर्म, फाइंडिंग सम पर्टिकुलर टर्म, किसी भी पर्टिकुलर टर्म को कंप्यूट करना है। तो एन टर्म क्या होती है जी, ए प्लस एन माइनस 180। ए प्लस जोन से नंबर की टर्म निकालनी है वो माइनस 1 × d। व्हाट इज कॉन्सेप्ट नंबर 2? कॉन्सेप्ट नंबर 2 था किसी भी टर्म का सीरियल नंबर निकालना, वो भी सेम फॉर्मूला लगेगा। एन टर्म दी हुई है, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा होता है जी क्रॉस टर्म्स क्या होती है हमारी। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्रॉस टर्म्स क्या होती हैं, क्रॉस टर्म्स में आपने क्या क्या लिखा था जी, आपने कहा था मान लो 11वीं टर्म की वैल्यू है 50, 50वीं टर्म की वैल्यू है 11, तो नेचुरली ए की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का सम माइनस 1 = 60। डी की वैल्यू होती है माइनस 1। आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, इन दोनों का सम 61 माइनस जो भी टर्म निकालनी है, ये हो जाएगा -439। फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट क्या था जी, फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट वो कहता है एम टर्म को एम से मल्टीप्लाई किया, एन टर्म्स को एन से मल्टीप्लाई किया, दोनों बराबर है। आपने बताना है 200वीं टर्म क्या होगी। तो आप क्या करते हो जी, एम ए टर्म की वैल्यू एन, एन ए टर्म की वैल्यू एम, ए की वैल्यू क्या होगी एम प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू होगी माइनस 1, वही थर्ड वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा। और पांचवा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वो भी सेम है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल एंड क्रॉस। क्रॉस में और रेसिप्रोकल में है, पी ए टर्म की वैल्यू है 1/Q, क्यू ए टर्म की वैल्यू है 1/P, ए की वैल्यू भी 1/PQ, डी की वैल्यू भी 1/PQ, जोन से नंबर की भी टर्म निकालनी है वो अपॉन पी क्यू। ये हमने 5 कॉन्सेप्ट आज किए, आपने क्वेश्चन भी किए, मेरा ख्याल अगर ज़्यादा नहीं तो 50-60 क्वेश्चन तो किए ही होंगे। तो मेरा ख्याल से इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है, जिसके पास नहीं है वो ले सकते हैं। और
ऑलवेज वेलकम, आप कभी भी प्रॉब्लम पूछोगे। और आज की क्लास को हम आप लोग सौरभ जैन की क्लास में जाइए। अच्छा, अब हमारी इसके बाद ना लॉ की क्लास है, कहाँ होगी? सौरभ जैन सर की लॉ की क्लास होगी, तो आप उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 2 मिनट में 4 मिनट में ज्वाइन कर लो, क्योंकि सर भी क्लास स्टार्ट करेंगे। और मेरी 11 बजे क्लास, मैंने आपको बोला था जो रूटीन वाली क्लास होती है 11:15 बजे करेंगे वो, तो 11:15 बजे हमारी मैथ की जो रूटीन क्लास होती है वो होगी। तो ये हमारी 2021 वाले बैच की पहली क्लास थी। तो जिसके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनको कन्वे कर दीजिए कि 2021 का बैच हमने स्टार्ट किया, और आप लोगों की क्लास मेरी 11:15 बजे होगी। अगर आपने किसी ने लोग की क्लास अटेंड करनी हो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो 11:15 बजे आप लोग मैथ की क्लास में आ जाना, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा काम थोड़ा, बहुत दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, तो हम देखते हैं जी आगे क्या है। थैंक यू बेटा, थैंक्स ए लॉट। प्रीति सिंह कौन है? और थैंक यू बेटा, जिसका जो भी है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ। आपको कैसा लगा मुझे नहीं मालूम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।